नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रे कार्ड। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर नंदीग्राम में चुनाव प्रचार के दौरान कथित तौर पर हमला हुआ था। बंगाल के सीएम ही जब इतने बड़े सुरक्षा के घेरे के बावजूद सुरक्षित नहीं है तो वहां की जनता आखिर कैसे सुरक्षित होगी। बंगाल में वैसे भी ये कोई पहली बार नहीं हुआ है जब किसी नेता पर हमला हुआ हो। आज की चर्चा इसी मुद्दे पर, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। सुरक्षा 18 गाड़ियां, एडवांस पायलट कार, फिर भी ममता पर कैसे हुआ हमला। जिस राज्य में सूबे की मुख्यमंत्री ही सुरक्षित ना हो तो वहां की जनता का क्या हाल होगा। कल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर नंदीग्राम में कथित तौर पर हमला हुआ, जिसके बाद बंगाल का सियासी तापमान और हाई हो गया। टीएमसी और बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप का पुराना सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो गया। एक और जहां ममता का कहना है कि उन पर साजिश के तहत हमला किया गया है, तो वही बीजेपी इसे एक नाटक बता रही है। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं है जब बंगाल में किसी बड़े नेता पर हमला हुआ हो। पिछले महीने मुर्शिदाबाद के निमटीटा रेलवे स्टेशन पर ममता सरकार में मंत्री जाकिर हुसैन पर बम से जानलेवा हमला किया गया था। उनका इलाज अभी भी जारी है। साल 2019 में कोलकाता गए अमित शाह के रोड शो के दौरान बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं की भिड़ंत हो गई थी। उस दौरान अमित शाह बाल बाल बच गए थे। वही बात अगर साल 2019 की करें तो सितंबर महीने में केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो के साथ कोलकाता के जादवपुर विश्वविद्यालय में धक्का मुक्की और बदसुलूकी हुई। उन पर किया गया हमला इतना जबरदस्त था कि उनके कपड़े भी फाड़ दिए गए थे। पिछले साल दिसंबर में बंगाल दौरे पर गए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर भी बड़ा हमला किया गया था। हमला इतना जबरदस्त था कि जेपी नड्डा की गाड़ी के शीशे भी टूट गए थे। इसके अलावा पिछले साल बीजेपी के वरिष्ठ नेता और बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय की गाड़ी पर डायमंड हार्बर में प्रदर्शनकारियों ने पत्थर मारे थे। बंगाल में बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष पर भी कई बार हमले हो चुके हैं। कभी उनके काफिले पर हमले हुए तो कभी उन्हें काले झंडे भी दिखाए गए। कल शाम 5 बजे तक चुनाव आयोग ने इस मामले में जांच रिपोर्ट मांगी है, जिसके बाद जल्द ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इस बात से भी पर्दा उठ जाएगा कि दीदी की पैर में लगी चोट वाकई में चोट है या सिर्फ चुनावी चोट है। बंगाल में 8 चरणों में मतदान होने हैं। पहला मतदान 27 मार्च को होगा। उन परिस्थितियों में चुनाव आयोग के लिए शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराना भी किसी पहाड़ चढ़ने से कम नहीं होगा, क्योंकि बंगाल का तो राजनीतिक हिंसा से पुराना नाता रहा है। स्पेशल डेस्क, आर्या न्यूज। तो पश्चिम बंगाल में सियासी घमासान मचा हुआ है। इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा करने के लिए विमल सिंह बीजेपी के प्रवक्ता, चंद्रमोहन शर्मा नेता कांग्रेस, सुमित मेहरोत्रा प्रवक्ता टीएमसी, धनोज कुमार वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन उससे पहले आर्या न्यूज के कुछ सवाल है। चर्चा पर जाने से पहले वो जरा सा टीवी स्क्रीन पर दिखा दिए जाए। आपको बता दें आर्या न्यूज सबसे पहले पूछ रहा है कि ममता बनर्जी को ईवीएम पर आखिर विश्वास क्यों नहीं है, जिसके बाद बंगाल का सियासी तापमान और हाई हो गया। ईवीएम के क्या है राजनीतिक पार्टियों के दांव पेच, क्या ममता बनर्जी जो ये कर रही हैं क्या वो राजनीतिक दांव पेच है, ममता की चोट आखिर हादसा है या फिर सियासत है, ये सारे सवाल आर्या न्यूज पूछ रहा है। खुद की सरकार फिर भी सुरक्षा पर आखिर सवाल कैसे उठा सकती हैं सूबे की मुखिया ममता बनर्जी। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले विमल जी आपके पास आना चाहूंगे, पश्चिम बंगाल में चल क्या रहा है। देखिए सबसे पहले तो मैं आर्या न्यूज के जरिए मैं सारे देशवासियों को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगा। देखिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के साथ जिस तरीके से उन्होंने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी के जो है नेताओं द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा हमारे ऊपर हमला किया गया है, तो इसको मैं एक निंदनीय चीज मानता हूं, क्योंकि ममता बनर्जी जी और या किसी भी सरकार के मुख्यमंत्री को जेड प्लस सिक्योरिटी दी जाती है,
इसके साथ साथ जो है उसके राज्य के जो प्रशासन अधिकारी होते हैं या प्रशासनिक पुलिस होती है वो भी उनके घेरे में चलती है, और ऐसे में किसी अगर कार्यकर्ता या किसी लोगों पे अगर आरोप लगाया जाए कि इन्होंने आके मुझे मारा, तो यह एक जो है षड्यंत्र वसा और तानाशाही जो है आरोप लगाया जा रहा है। दूसरी चीज मैं बता देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आपने देखा था पल्लवी जी कि अमित शाह जी जब 2017-18 के टाइम में वो गए हुए थे बंगाल, और उनके साथ जो है उनकी रैली में, उनकी जनसभा में, रोड शो में जो है जिस तरीके से उनके ऊपर हमला किया गया था, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे जेपी नड्डा जी जब 2020 में गए थे बंगाल में, उनके ऊपर पत्थर बरसाए गए थे। तो देखिए क्या है, सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, उनसे ये वो उन्होंने दर्शा दिया कि उनका जो प्रशासन है वो लापरवाह है, और वो उनकी उनकी जब सुरक्षा नहीं हो सकता है, वो अपनी सुरक्षा नहीं कर सकती है, तो बंगाल की जनता की क्या सुरक्षा करेंगे? सुमित जी, जब मुखिया की ही सुरक्षा आप लोग नहीं कर सकते हैं तो बंगाल की सुरक्षा क्या करेंगे? नहीं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी बता रहे थे कि वहाँ पे राज्य सरकार का होता है सारी चीजें, तो इन्हें मैं बता दूं, जैसे चुनाव घोषित होता है तो राज्य सरकार नहीं रहती है, भंग हो जाती है, ना कोई विधायक होता है ना कोई मुख्यमंत्री होता है, और जो उसकी सुरक्षा का जिम्मा आता है वो आता है चुनाव आयोग के पास, ये शायद भूल रहे हैं लोग। और जो चुनाव आयोग है और केंद्र सरकार है दोनों की मिली भगत से ही सारे काम हो रहे हैं वहाँ पे। दो दिन पहले डीजीपी को हटाना ये दर्शाता है कि आज आप लोग बौखलाए हुए हैं और दीदी के ऊपर हमला करने वाले, ये संयोजित था इन लोगों का। दो दिन पहले डीजीपी को हटाया वहां से इन लोगों ने, क्यों हटाया वहां से इन्होंने? ठीक है, विमल जी जवाब दीजिए। देखिए, मैंने अभी एक चैनल देखा था, मैं नाम नहीं बताऊंगा, उस चैनल पे मैंने वीडियो भी देखा है, जिस तरीके से वहाँ के लोग जो स्थानीय लोग हैं और जो लोगों ने उस चीज को देखा है, उनका कहना यह है कि दीदी जा रही थी और एक खंभा था, उस खंभे में उनका पैर लगा, और एक स्थानीय नागरिक जो है वो जाके दीदी के लिए एक दुकान से बर्फ लाया था और दीदी की सिकाई हुई थी। तो मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, ये जो है एक षड्यंत्र है जो रचा जा रहा है, ये बस वोट पाने के लिए, जनता का वोट पाने के लिए, जनता के वोटों को लुभाने के लिए इस तरीके का षड्यंत्र रचा जा रहा है। और दीदी तो देखिए, दीदी तो खुद गुंडेपाल रखी है, देखिए दीदी ने तो खुद गुंडेपाल रखा है, रोहिंग्या मुसलमान जो बांग्लादेश से आए हुए हैं उनको जो है पाल रखी है, टीएमसी के कार्यकर्ता बना के रखी हुई है, तभी तो वो बार बार कहती है कि हम जो है बंगाल में जो है सीए और एनआरसी लागू नहीं होने देंगे। क्यों बोलती है बात? इसलिए बोलती है कि वही गुंडे, वही गुंडों को कल हटा दिया जाएगा, वही गुंडों को कल बांग्लादेश भेज दिया जाएगा जो उनके दोनों प्रवक्ताओं का आपने सुना। और जो बात निकल के आई वो ये है कि अब ईसी भी बदनाम हो चुकी है, ईवीएम के बाद अब ईसी बदनाम। धनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दो लाइन से शुरुआत करता हूँ, क्योंकि इन दोनों को सुनने के बाद मैं आज सोचा कि थोड़ा सा तब्दली कर दूं। जंग जैसा माहौल है सियासत का, सियासत में बुरी हालत है, जंग जैसा माहौल है सियासत में बुरी हालत है। कीचड़ उछाल कर चुनाव जीतेगा, अब जनता हर नेता को पीटेगा। मैं ये सब इसलिए कहा, चाहे नेता को मारे या नेता मार खाए, इसमें बेइज्जती तो नेता का ही है, चाहे वह नेता बीजेपी का हो, चाहे वह नेता टीएमसी का हो, चाहे शीर्ष नेता हो या छोटा नेता हो। अगर अभी वर्तमान में जैसे मैं सुन रहा था टीएमसी के, अरे भाई चुनाव आयोग घोषणा कर देता है लेकिन जब तक चुनाव ना हो जाए तब तक राज्य की मुख्यमंत्री टीएमसी के सुप्रीमो ममता बनर्जी ही है, और एक मुख्यमंत्री को उतना सुरक्षा मिलता रहता है। यह चुनाव आयोग के कानून में भी है, क्योंकि चुनाव आयोग ने थोड़े कहा है कि आप, चुनाव आयोग यह नहीं कहता कि आप मुख्यमंत्री नहीं है, मुख्यमंत्री वही है जब तक कि उसको चुनाव ना हो जाए, जब चुनाव हो जाएगा तब जो जीतेगी वो जो पार्टी उसका नेता चुनाव में जीतकर जो आएगा वो बनेगा मुख्यमंत्री। लेकिन सवाल है मेरा ये इन दोनों नेता से, दोनों पार्टी के नेता से, बीजेपी से और टीएमसी से, ये तमाशा कब बंद करेंगे? क्या ये दोनों पार्टी, क्या जनता के किए कार्य को, यानी जनता के लिए जो कार्य किया इन लोगों ने, क्योंकि 10 साल से टीएमसी है राज्य में और आप 10 साल से देख लीजिए बीजेपी है केंद्र में, और राज्य केंद्र की दोनों योजनाएं लागू होती है राज्य में। मैं मानता हूं कुछ योजना केंद्र की लागू नहीं है, लेकिन बहुत सारे योजना लागू, जैसे टीएमसी वाले दावा करते हैं कि हमने गरीबों को फ्री अनाज दिया, तो वो अनाज की योजना जो है वो एफसीआई की तरफ से फ्री में मिलता है, मतलब 1 रुपये 2 रुपये वो फ्री होता, मतलब एफसीआई जब तक नहीं देगी तब तक कोई राज अपने जनता को
नहीं देगा, तो उसमें मान लीजिए दोनों का होता, 60-40 का चलता है। मेरा सवाल यह है कि क्या यह इस तरह का जो राजनीति हो रहा बंगाल में, जैसे मान लीजिए टीएमसी के सुप्रीमो है ममता बनर्जी, मुख्यमंत्री है 10 साल से वहां पर, उनके जो तंत्र है, क्योंकि सारे अधिकारी को यह पता है कि क्या होगा नहीं होगा, इसलिए कोई अधिकारी लापरवाही नहीं बरत सकता, लेकिन एक मुख्यमंत्री कहां जा सकती कहां सकती है, उसका अपना फंडामेंटल राइट है। उस दरमियान उनके साथ कुछ भी हुआ, इसका भी जवाबदेही ममता बनर्जी की है कि ममता बनर्जी ने ऐसे जगह क्यों गई जहां पर उसको खरोच आया। अगर ममता बनर्जी वहां नहीं जाती तो उसको खरोच नहीं आता। आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले सुमित जी जवाब दीजिए। ये हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता जी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं हैं। से आते हो आप लोग, बांग्लादेशी हो क्या? वरिष्ठ पत्रकार हैं, बांग्लादेशी हो? अरे बांग्लादेशी हो? वरिष्ठ पत्रकार, अरे बांग्लादेशी हो, पहले बता दो अपना परिचय। वरिष्ठ पत्रकार, अरे बांग्लादेशी नहीं हो ना? मैं हिंदू हूँ। अरे दीदी ने लाया क्या, एक्सपोर्ट करके लाया क्या तुम्हें? एक मिनट सुमित जी, अरे यार ठीक है, सुनो भी कांग्रेसी वरिष्ठ पत्रकार अपना जवाब दो ना, अपना परिचय का पता करो, जवाब दीजिए सुमित जी। मेरा नाम सुमित मेहरोत्रा है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैं प्रवक्ता हूँ पार्टी का। हाँ तो प्रवक्ता तो पहचान के बैठो ना, आपको ये बताने की जरूरत पड़ गई कि आप सवाल कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार धनोज कुमार, आपसे ही सवाल पूछा जा रहा है, आप जवाब दीजिए। जी 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 बताइए जी। अच्छा दोबारा पूछना पड़ेगा, जिस तरीके से हमारे मुखिया नहीं रह गई वो पश्चिम बंगाल की, अरे मुखिया नहीं रह गई, कोई और पार्टी जीत के चली गई क्या? सुरक्षा तो मिली हुई थी ना, अभी जीती नहीं। अरे चुनाव आयोग, जब तक चुनाव नहीं है, ठीक है इन्होंने जो कहा मैंने इनकी बात को सुना, ऐसा नहीं है, पर जब तक चुनाव नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री ममता दीदी है, पर कुछ राइट्स ऐसे होते हैं जो चुनाव आयोग के पास आ जाते हैं, केंद्र सरकार के पास चले जाते हैं। कौन से राइट्स? राइट्स उसमें ये है, वहां का प्रशासन चुनाव आयोग के अंडर आ जाता है, ये सभी को मालूम है, हमें बताने की जरूरत नहीं है, चुनाव आयोग के अंडर में आता है, ठीक है, चुनाव आयोग ही हटाता है। और केंद्र सरकार ममता बनर्जी अपना हेल्थ बुलेटिन जारी करके ये कह सकती है कि आपकी, सुनिए मेरी बात, ममता बनर्जी अपना हेल्थ बुलेटिन जारी करके ये कह सकती है कि आपकी दीदी बिल्कुल ठीक है, किसी तरीके का उपद्रव मत मचाइएगा, आराम से करिएगा, जो भी प्रचार प्रसार करना है ये कर सकती हैं। इसके साथ साथ ये नहीं कह सकती हैं कि हाँ ठीक है इनकी गलतियों की वजह से मुझे चोट लगी है, ये तो नहीं कहा गया। वहां पर सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल क्यों नहीं उठाए गए? सीधे ये कह देना कि ईसी नहीं, ईसी अब ईसी बताएगी, रिपोर्ट जब आएगी तो वो बताएगी कि हाँ ठीक है इसके कारण क्या थे, तो उन्होंने ईसी पर ही सवाल उठा दिए कि नहीं बीजेपी से ईसी मिली हुई है, रिपोर्ट तो आने देते। दो दिन पहले डीजीपी को क्यों हटाया गया, ये भी तो एक सवाल है, चुनाव के समय पे जो आपसे सवाल पूछा गया आपने उसका जवाब दिया सुमित जी, आपसे जो सवाल पूछा गया आपने उसका जवाब दिया, क्यों डीजीपी को हटाया आपने, सवाल का जवाब दिया सुमित जी। मैं बिल्कुल आपकी बात का ही जवाब दे रहा हूँ, कहाँ दे रहे हैं दीजिए, मैं आपकी बात का ही जवाब दे रहा हूँ, दो दिन पहले ही डीजीपी को क्यों हटाया गया, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है, ये आपका सवाल है जो आप सवाल से बचने के लिए, मेरे सवाल से बचने के लिए आप काउंटर क्वेश्चन कर रहे हैं। विमल जी जवाब दीजिए आप। देखिए धनोज कुमार जी एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं इनका सम्मान करता हूँ, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं तथ्य के हिसाब से बात करता हूँ धनोज जी, और देखिए जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को विगत जो है 3 सालों में मारा गया, मैं उसका आंकड़ा प्रेस करना चाहता हूं, लगभग 150 से अधिक कार्यकर्ताओं को मारा गया है, जान से मारा गया है, और टीएमसी के गुंडों द्वारा मारा गया है, और लगभग सुन लीजिए टीएमसी के प्रवक्ता साहब, सुन लीजिए मैं आपकी बात को सुन रहा था, और लगभग जो है 300 से अधिक हमारे कार्यकर्ता घायल हैं। इसके साथ साथ मैं बता देना चाहता हूं कि जो ये पुलिस प्रशासन का ये लोग जो प्रयोग करते हैं क्रिमिनल एक्टिविटी में, ये हमसे भी छुपा नहीं है और ना ये आपसे छुपा हुआ है। दूसरी चीज मैं बता देना चाहता हूं कि ममता बनर्जी जी को दिक्कत है, ममता बनर्जी जी का प्रशासन उस समय कहां है जिस समय जय श्री राम के नारे लगते हैं, और कोई भी कोई आम इंसान है, कोई बांग्लादेशी बंगाल की जनता है, वो अगर जय श्री राम का नारा लगाता है, यही लोग इनके प्रशासन जाते हैं और उसको उठाकर लाते हैं और जेल में बंद कर देते हैं। भाई बंगाल में रहेंगे तो क्या जय श्री राम नहीं बोलेंगे? पुरुषोत्तम राम हमारे भारत के नहीं थे क्या? मैं इनसे जानना चाहता हूं। समित जी जिस तरीके से ये कह रहे हैं जय श्री राम से दिक्कत है माननीय ममता दीदी को, दिक्कत ममता दीदी को नहीं है, आप लोगों ने कल भी और परसों भी सुना होगा, माननीय ममता दीदी ने जिस तरीके से संस्कृत में श्लोक पढ़े हैं, देखिए संस्कृत में जो उन्होंने श्लोक पढ़ा है चंडी पाठ, चंडी पाठ का प्रयोग कब किया जाता है, चंडी पाठ कब पढ़ा जाता है, मैं आपको बता देना चाहता हूं क्या है, चंडी पाठ उस समय पढ़ा जाता है जिस समय इंसान जो है पाप किया हो
और उसके बाद जो है चंडी पाठ पढ़ा जाता है। तो यही दर्शाया गया मंच से ममता बनर्जी जी ने यही दर्शाया कि जो 150 से अधिक कार्यकर्ताओं को उन्होंने मारा है उसके लिए उन्होंने चंडी पाठ पढ़ा। किस समय श्लोक पढ़ा जाए, किस समय नहीं पढ़ा जाए, किस समय मंदिर में जाए, किस समय क्या काम करें, क्या भारतीय जनता पार्टी से हम लोग को सर्टिफिकेट लेने की जरूरत है क्या हिंदुस्तान के सभी लोगों को? ये एक बड़ा मुद्दा है क्या? आप लोग हर समय जय श्री राम का नारा लगाइए, कोई सरकारी प्रोग्राम होता है जय श्री राम का नारा लगाने से प्रॉब्लम क्यों है? मैं पूछना नहीं है किसी को, बंगाल में दिक्कत क्यों है? दीदी को किसी को बोला क्यों जाते, दीदी को गुस्सा क्यों होता? आप लोग जब कोई काम नहीं करते हैं, आप लोग अपने नकारा चीजें छुपानी होती है तो जय श्री राम का नारा लेते हैं, आप लोग विकास की बात करते नहीं है। विकास की बात तो आप पर कीजिए, विकास की बात तो आप पर कीजिए। आपके जब 19 जो विधायक है वो आते हैं और कहते हैं कि बंगाल का विकास जो है, देखिए अब फैला ना होवे, फैला ना होवे, अब परिवर्तन होवे बंगाल में। सुन लीजिए, आपके 19 विधायक भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिए हैं और वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में सुरक्षित है, हमारी जो मुख्यमंत्री है, हमारी जो नेतृत्व करता है, जो टीएमसी के नेता है, वो हमारी नहीं सुनती है, वो किसी भी जो है जो भी आता है जनता द्वारा चुना हुआ जो भी नेता आता है उसका कोई आदर सत्कार नहीं किया जाता है टीएमसी के अंदर। हमने पता नहीं किसके हाथों में देश दिया है, जनता को ये नहीं मालूम। देश तो सुरक्षित हाथों में है, देश सुरक्षित हाथों में है। आप बताइए केंद्र सरकार की लगभग 3-4 प्रमुख योजना जो है सुमित जी बंगाल में लागू देश किसके हाथों में है उसको रहने देते हैं। अभी बंगाल किसके हाथों में था 10 साल से उस पर चर्चा कर लेते हैं। आपने विकास की बात की, सुनिए ना मेरी बात, आपने विकास की बात की, कहां तक पहुंचा है पश्चिम बंगाल का विकास, कितनी सुरक्षित है आखिर पश्चिम बंगाल की जनता? पायल जी 10 साल सत्ता में थे, सीएम सुरक्षित नहीं है वहां का। अगर आपकी बात को मानू, सुनिए ना, अगर आपकी बात को मानू कि उन पर हमला हुआ था, धक्का दिया गया था, 10 साल सत्ता में थी, सीएम सुरक्षित नहीं है और आप बात विकास की कर रहे हैं। हाँ, तो अभी जांच हो रही है ना, सब दूध का दूध पानी का पानी होगा, जांच हो रही है, दूध का दूध पानी का पानी होगा, तो पहले ही सवालिया निशान इसी पर उठाने की क्या जरूरत पड़ गई थी? जांच होने देते, दूध का दूध पानी का पानी होगा ना, तो जांच होने देते, रिपोर्ट आने देते, नहीं जाएगा। अरे रिपोर्ट आने देते ना, भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता को बख्शा नहीं जाएगा, रिपोर्ट आने देते ना। विमल जी जवाब देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, माँ माटी मानुष के नाम पे 10 साल पहले ममता बनर्जी जी एक मोटो लेकर आई थी। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एनसीआरबी के रिपोर्ट के अनुसार जो है सबसे ज्यादा बंगाल ही ऐसा प्रदेश है जहाँ महिलाओं के साथ जो है शोषण किया जाता है और महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा अपराध होता है। दूसरा मैं बात करूंगा माटी और माटी की बात करूंगा तो बंगाल का अस्मिता, बंगाल की माटी सुरक्षित नहीं है। और मानुष की बात करूंगा तो मानुष की बात करने में ये मैं बता देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लगभग 150 से अधिक कार्यकर्ता को मारा गया। इसके साथ साथ जब मैं आपको देखिए पल्लवी जी, मैं 2 साल पहले आपको लेकर चलूंगा, नगर निगम का चुनाव था, नगर निगम का जो एक प्रत्याशी था उसके घर में घुसकर उसको गोली मार दी गई, उसके परिवार को उसके घर को आग लगा दिया गया। और एक दिन पहले, चुनाव से एक दिन पहले हमारे जितने भी प्रत्याशी थे नगर निगम के, उनको भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में बंद रहना पड़ा, वो अपनी जान की सुरक्षा मांग रहे थे। लेकिन ममता बनर्जी जी ने, ममता बनर्जी तो खुद गुंडे पाल रखी हैं, वो तो खुद जो रेलवे परिसर के अंदर बम किसने फेंका, रेलवे परिसर सेंट्रल की आती है, हमारे मंत्री के ऊपर हमला हुआ है। सुनिए सुमित जी, सुनिए, कभी महागठबंधन में कांग्रेस आपके साथ थी, कभी याद है ना, एक ही साथ बैठते थे आराम से, बीजेपी के विरोध में नारे लगाते थे। अब पता है अधीर रंजन चौधरी ने क्या कह दिया, उन्होंने कहा है कि नहीं भैया, ये चुनावी स्टंट है ममता बनर्जी का, वो भी नहीं मान रहे हैं। यहाँ सच में चोट लगी, अधीर रंजन जी का पता नहीं सांसद है वो क्या बातें कर रहे हैं, मैं उस चिपड़ी पे नहीं जाना चाहूंगा। जो कर रहे हैं वो एक हारता हुआ डूबता हुआ जहाज है कांग्रेस इस समय, तो वो तो बातें करेंगे कि ममता जी ने अपना स्टंट करने के लिए करा है, चुनाव जीतने के लिए करा है। चंद्रमोहन शर्मा जी हैं कांग्रेस के नेता, वो भी जुड़े हुए हैं। चंद्रमोहन शर्मा जी, आप आईसीयू में चले गए हैं, बाहर निकलने के लिए टीएमसी पर कटाक्ष कर रहे हैं, क्या सुमित जी कह रहे हैं? देखिए, अभी मैंने आपकी बड़ी देर से बातें सुन रहा था आपकी डिबेट के अंदर। हमारे दो महानुभव बैठे हुए, एक टीएमसी के एक भाजपा के। एक वो है जो सत्ता पाने के लिए किसी की हद पे भी जा सकता है, उसे सत्ता चाहिए, सेंटर से सत्ता लेके वो कई स्टेट की सत्ता लेती रही भाजपा। अब जब किसी स्टेट में जाती है तो सबसे पहले वो उस शासन की कुनितियां को गिनवाती है। एक वो है जो पिछले कई सालों से सत्ता में बंगाल पे रही है, और जब सत्ता करते हुए जो बंगाल में किसी की सत्ता से परिवर्तन करके आई तो उससे बंगाल की दिशा, निशा और अर्थव्यवस्था को बदलने की बात की।
दोनों ही पार्टियां एक ही ताली के चट्टे बट्टे, दोनों की नीतियां हैं कि दोनों के सिद्धांत है क्या, डूबता हुआ जहाज ये तो वो भी था जब डूबता जहाज वो भी था जब किसी की दो सीटें थी और वो भी खिलाफ में इंदिरा गांधी जी ने दी थी। एक ही थाली में लड्डू खाते थे महागठबंधन में बैठ के आप लोग, और उसी आप ये भी भूल गए होंगे शायद अगर आप उन्हीं की प्रवक्ता हैं तो आप भूल गए होंगे उन्होंने भी वाजपेयी जी के टाइम पे बैठ के सरकार मनाई थी ममता बनर्जी ने, वो भी आप शायद भूल गए होंगे, उनको भी याद कर लीजिए आप। नहीं, मैं तो आपके आपके शब्दों पर गौर कर रही हूँ चंद्रमोहन जी, मैं आपके शब्दों पर गौर कर रही हूँ, विपक्ष मैं आपके शब्दों पर गौर कर रही हूँ, बस विपक्ष को ये कहता है गठबंधन से हटे तो बुराइयां दिखने लगी, साथ में बैठे थे बुराइयां, हमें अपनी सच्चाई पता है कि हमें नीचे से ऊपर आना है, हम उससे नहीं भाग रहे, बिल्कुल ना भागेंगे ना भागे हैं, लेकिन आज जो भूमिका विपक्ष की भी होनी चाहिए, विपक्ष के साथ जो विपक्ष का मीडिया भी होना चाहिए वो आज भूमिका नहीं है। जब 2014 में सत्ता परिवर्तन हुआ था अगर अभिनेत्री लेके सिलेंडर सड़क पर उतरती थी तो उसको बहुत बड़ा करके दिखाया जाता था, भाजपा ने नहीं बड़ा किया था, मीडिया ने बड़ा किया था, तो ये आपका भी रोल है। अगर आप विपक्ष में बैठी पार्टी में प्रशंसन करेंगे और सत्ता को छोड़ देंगे पता तो है चंद्रमोहन जी आपको पता है विपक्ष की दिक्कत क्या है, आप लोगों की मर्जी के मुताबिक अगर सवाल ना पूछे जाए ना, सुनिए ना मेरी बात, तो मीडिया को आप गोदी बना देते हैं चंद्रमोहन जी, आपको पता है विपक्ष की और कांग्रेस की खास करके मैं बोलूंगी दिक्कत सिर्फ यही है, सवालिया निशान तुरंत आप लोग उठा देते हैं, आपसे सवाल क्या पूछा गया आप सिर्फ उसका जवाब दे तो बेहतर नहीं होगा चंद्रमोहन जी, आप सिर्फ उसका जवाब दीजिए, मिनट के बाकी मत बोलिए, आप काम आप अपना काम करिए, मेरा काम आप मुझे मत सिखाइए, वो बेहतर तरीके से करना आता है, क्या करना है और क्या नहीं मैं बिल्कुल आप मत बताइए, मैं आपको कहने वाला होता आप मत बताइए चंद्रमोहन जी, आप सिर्फ सवाल का जवाब दीजिए, मैं वही तो कह रहा हूँ कि 25 मिनट आपकी डिबेट में बैठने के बाद जब आप मुझे बुलाने बैठे और उसी के अंदर बीच में आप मेरी बात काटें तो मेरा अधिकार है आपसे बात करने का। चंद्रमोहन जी देखिए अगर आप सवाल का जवाब देंगे तो टोका टिप्पणी नहीं होगी, अगर आप ये कह रहे हैं कि आप डिबेट में आए आपने चर्चा सुनी, सुन लो मेरी बात पहले, अरे प्रभु सुनोगे नहीं ना तो यही विडंबना हो जाती है कांग्रेस की, बताओ सवाल का जवाब दे नहीं पाती है फिर आप लोग मीडिया पर हमलावर हो जाते हैं, अभी शांत रहिए, अभी अगर आपको सवाल सुनना है ना तो 2 मिनट के लिए मौन धारण कर लीजिए बेहतर होगा, बेहतर मुझे लग रहा है आपको मेरा सवाल पसंद नहीं आया, शांत रहिए 1 मिनट के लिए, सवाल समझ में नहीं आया आपको या फिर पसंद नहीं आ रहा है आपको, आप लोग आईसीयू से निकलने के लिए क्या टीएमसी पर हमलावर हो रहे हैं, आप आईसीयू से निकलने के लिए क्या टीएमसी पर हमलावर हो रहे हैं, सवाल का जवाब दीजिए, सवाल का जवाब देने आए हैं ना आप, सवाल का जवाब देने आए थे या फिर मीडिया को उसका काम बताने आए थे, आप सवाल का जवाब देने आए थे फिर मीडिया को उसका काम बताने आए थे, आप ये बता दीजिए पहले चंद्रमोहन जी, मैंने नहीं आपको कांटेक्ट किया आपको, तमीज है आपको, आप जैसे एंकर को बिल्कुल थैंक यू सो मच मुझे बताने के लिए कि मुझे तमीज नहीं है और मुझे लग रहा है कि कांग्रेस को तमीज नहीं रह गई है कि सवालों का जवाब किस तरीके से देना चाहिए, ठीक है आपको जब बुलाया गया था, अभी शांत रहिए चंद्रमोहन जी, आपको जब बुलाया गया था तो आपको मुद्दा भी बताया गया होगा ना, सुनिए मेरी बात, गेस्ट कोऑर्डिनेटर से जब आपने गेस्ट कोऑर्डिनेटर ने जब आपसे संपर्क किया होगा उसने आपको मुद्दा भी, इनके पहले तो आवाज म्यूट करो जरा सा, बोलते ही रहते हैं म्यूट करो इनकी आवाज, अभी सुनिए मेरी बात, आपको कोई नहीं सुन पाएगा, अभी सुन लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, आपको जब गेस्ट कोऑर्डिनेटर ने संपर्क किया होगा तो उसने आपको यह भी बताया होगा कि भैया सवाल किस पर करने हैं, यहां पर आकर के जवाब किस पर देना है, कौन सा मुद्दा है, मुझे लग रहा है आप उस पर तैयारी करके नहीं है, आप मीडिया पर बहुत अच्छे से रिसर्च करके आए हैं, खास करके कांग्रेस मीडिया पर बहुत अच्छे से रिसर्च करती है कि हाँ ठीक है जैसे ही सवाल का जवाब समझ में नहीं आएगा इसे गोदी बना देना है, इसे अच्छा बना देना है, यह काम आप लोगों को बेहतर तरीके से आता है क्योंकि सवाल का जवाब तो आप लोगों ने अभी तक दिया नहीं, अब 1 मिनट के लिए इनकी आवाज जरा सा उठाइए, सुनना चाहती हूँ वरना काट देना ही नहीं चाहिए, क्यों ले रही हो फिर आप मेरे से कह रही चुप रहिए, ये आपकी मर्यादा है बिल्कुल, और आपकी मर्यादा है, आपकी मर्यादा है, आपने सवाल का जवाब दिया, आपने सवाल का जवाब दिया, सवाल का जवाब देने आए थे ना, अरे फिर वही बात, मीडिया पर सवाल, मीडिया पर क्वेश्चन उठाने का अधिकार आपको किसने दे दिया चंद्रमोहन जी, किसने दिया आपको ये अधिकार, आप सवाल का जवाब देने आए थे, आपको सवाल का जवाब देना चाहिए, नहीं देना तो कह दीजिए कि नहीं कांग्रेस इस सवाल का जवाब नहीं दे सकती है, आपको सीधा ये कहना चाहिए था मीडिया पर सवाल उठाने का, कांग्रेस की पार्टी को आखिर कौन हक दे रहा है ये मुझे बताइए पहले, आपको गुस्सा क्यों आ रहा है, आपके पास चार आपके पास जवाब नहीं है, तो आपकी सोच देख के आ रहा है मुझे कि किस तरीके की मानसिकता हो चुकी है कांग्रेस की कि उसे कुछ समझ में ही नहीं आता है कि कौन से सवाल का जवाब किस तरीके से देना है, डिबेट से क्यों हट रही है पीछे, शांत रहिए, और अगर ये इसी तरीके से बयान देते रहे तो हटा दीजिएगा, मैं बीच में नहीं हटूंगा, बात करने वाले कहेंगे कि बोलेंगे लेकिन आप बीच में बोलने को काटेंगे तो जवाब सुनना पड़ेगा आपको, एक मिनट चलिए 1 मिनट दिया सुनाइए,
देखिए पल्लवी जी, मैंने आपको नहीं कहा, मैंने एक मीडिया पे प्रेजेंटेशन करा जिसको आपने लिया, मेरा आपसे कोई पर्सनली कोई वो नहीं है, और मैं आज अगर आपके साथ बैठा हूँ तो अभी मेरी सुन तो लीजिए, सुनाइए मैं जो कह रहा हूँ फिर आप बोल दीजिएगा ना, सुनाइए जल्दी। अभी तो मैंने आपको देखा भी नहीं है, मैं आपके पास जो बैठा हूँ सिर्फ कैमरे के ऊपर आपसे बात कर रहा हूँ, आपने मेरे से प्रेजेंट करा, उस प्रश्न का मैं आपसे जवाब दे रहा हूँ, 25 मिनट बाद आप मेरे से समय की कमी है, मेरे को जवाब देने नहीं दे रहे, मुझे भी पता है कि मैं थोड़ा सा लेट आई हूँ, मुझे बहुत अच्छे से पता है, तो आप सवाल का जवाब दीजिए चंद्रमोहन जी, समय की बेहद कमी रहती है ना, एक घंटे की डिबेट में टीका टिप्पणी इस तरीके से होगी तो जो मुद्दा है उस पर चर्चा नहीं हो पाएगी ना चंद्रमोहन जी, मैंने आपसे यही तो समझाने की कोशिश की, तो आप सवाल का जवाब दीजिए, मात्र 45 मिनट की डिबेट होती है, ये मुद्दे पर बात करें तो बेहतर होगा, आप जवाब दीजिए चंद्रमोहन जी, पूछे क्या पूछ रहे हैं आप, कमाल है, पहले ही सुन लेते तो इतनी बहस ही 3 मिनट मेरे बर्बाद नहीं होते, सवाल पहले ही सुन लेते आप तो, टीएमसी से टीएमसी पर आप लोगों ने आरोप लगा दिया कि चुनावी स्टंट है यह ममता बनर्जी का, आखिर क्यों चंद्रमोहन जी? देखिए टीएमसी पे अगर हमने चुनावी स्टंट का वो लगाया है तो आपने उसका प्रतिकार जो मेरे को दिया उसका मैं आपसे जवाब दे रहा हूँ, ये अधिकार है, अगर टीएमसी को मुख्यमंत्री है और मुख्यमंत्री के रहते हुए उसके पास सीबीआई है, एसटी है, सब कुछ घटना है, फिर उसको इस बात का कहना कहा उन्होंने तो उसके ऊपर अगर विपक्ष की भूमिका के अंदर अधीर रंजन चौधरी ने ये बात कही, मेरे एक प्रवक्ता मित्र ने उनके लिए ऐसी बात करी, मैंने तो उसका प्रतिशोध नहीं करा, मैंने उसकी बात को सुना, तो ये अधिकार है, जैसे बीजेपी ने अगर कोई बात कही या किसी और ने कही तो उसके लिए अगर इलेक्शन स्टंट इमोशनल कार्ड से खेला जा रहा है तो दोनों सरकारें प्रश्न चिन्ह होती हैं, एक सरकार वो जो सेंटर के अंदर हुकूमत चला रही है और एक सरकार वो जो पिछले गत बंगाल के अंदर सरकार चला रही है, तो बंगाल के अंदर सरकार का दायित्व उससे रिलेटेड क्या उसने निभाया नहीं निभाया, जिसके कारण आज उसको इस तरह के स्टंट या अगर उनको चोट लगी है तो बहुत दुखनीय है और हम उनके सहानुभूति के साथ उस दुख के साथ है, लेकिन प्रशंसन करना जरूरी है कि मुख्यमंत्री को अगर चोट लगे तो फिर बंगाल का सुरक्षित कैसे है, अगर वहां पर कुछ इनलीगल तत्व उनको इस तरह से चोट पटा के चला जाते हैं तो फिर बंगाल की सुरक्षा किसके पास है, और अगर जो प्रतिरोध पार्टी उससे प्रशंसन कर रही है तो वो उसका सुरक्षा सेंटर के पास है, तो एक मुख्यमंत्री की सुरक्षा कैसे पूरी है, तो बंगाल की सुरक्षा कैसे संभालेगा, ये मेरा आंसर है, ठीक है जवाब लेते विमल जी। देखिए जेड प्लस सिक्योरिटी जो होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है जिसमें सीआरपीएफ के जवान होते हैं, इसके साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट के भी जो अधिकारी होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के जो पुलिस प्रशासन होती है वो भी मुख्यमंत्री के काफिले के साथ चलती है, और इतने ज़्यादा घेरे में और इस तरीके की वारदात होना ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, और हमारे एक मित्र बैठे हुए थे टीएमसी से, उनको हम बता दें वो भी बहुत ज्ञानी आदमी है, हम भी पढ़ के आए हैं, देखिए जब तक जो है मुख्यमंत्री का कार्यकाल होता है चाहे इलेक्शन कमीशन का जो हस्तक्षेप करती है, तो इलेक्शन कमीशन जो है मुख्यमंत्री जब तक मुख्यमंत्री है तब तक जेड प्लस सिक्योरिटी के साथ चलता है, जब तक कोई नया मुख्यमंत्री शपथ नहीं लेता है तब तक जो है जेड प्लस सिक्योरिटी उसे ली नहीं जाती है। दूसरी बात मैं बता देना चाहता हूँ, जब तक जो है नया मुख्यमंत्री उस राज्य में नहीं आ जाता है तब तक प्रशासन जो है जो प्रशासन उनके साथ है वो प्रशासन उनके हिसाब से काम करना नहीं शुरू कर देती है। तो मैं इतना बताना चाहता हूँ कि एक विवंडना है और ये बस दर्शाया जा रहा है, वोट को लुभाने की कोशिश की जा रही है, लोगों को जो है एक सिंपथी दिखाने की कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इस सिंपथी को देख के लोग ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें, तो ये जो है मुझे ऐसा नहीं लगता है। कितनी सच्चाई है धनोज जी से जान लेते हैं, धनोज जी। देखिए पल्लवी ये बात सत्य है, लीडर का मैसेज होता है, मैसेज का देखिए मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, जब झगड़े की जब नौबत आती है ना दो गुट में तो नाक मुंह कान सब टूटता है, नाक से भी ब्लड आता है, मुंह से भी ब्लड आता है, स्ट्रेच भी आता है, सिर्फ धक्का मुक्की थोड़े होता है। अगर कोई इंटेंशन में लड़ने के लिए जाएगा, जैसे विमल जी अपना इल्जाम लगाते आए कि 150 लोगों को मार दिया गया, तो वो है धक्का मुक्की, उसको कहते हैं मारने वाले धक्का मुक्की, जो कचुमर निकाल देता है। अगर मान लीजिए कोई दुश्मन अगर मुझे अभी मारने आएगा तो मेरा नाक मुंह तोड़ देगा, सिर्फ पांव ही नहीं दबेगा, मेरा नाक मुंह तक तोड़ देगा। दूसरी बात, ममता बनर्जी एक व्यक्ति का नाम सब जानता, शुरू से पहले बीजेपी, फिर कई दलों ने उनका यूज किया, उनके सहारे राजनीति की, अब टीएमसी कर रहे, उनका नाम है पीसी, यानी एक प्रशांत किशोर जो है ना, मैं पीसी बोलता हूं उसको, प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो हमेशा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, डायरेक्टर का रोल अपनाते हैं, उनको लगता है कि उनसे बुद्धिमान इस भारत में कोई दूसरा व्यक्ति है ही नहीं, उनसे ज्यादा पढ़ा लिखा कोई है ही नहीं, समझदार है ही नहीं,
वो जो कह देगा उसी पर सब लोग वोट दे देगा। लेकिन सवाल यह होता है भाजपा टीएमसी कांग्रेस तमाम लोग, ये सब तजुर्बे वाला पार्टी है, इन लोगों का सत्ता से लेना देना रहा है, कहीं ना कहीं ये लोग सत्ता में रहे हैं। जो कांग्रेस पुरानी पार्टी है, बीजेपी जो है 10 साल से वो भी केंद्र में शासन कर रही है, टीएमसी भी 10 साल से शासन कर रही है, और अभी आप देखिए गठबंधन जो कांग्रेस के गठबंधन है वो किनके साथ है। तो आप यह देखिए कि राजनीति एक ऐसी चीज है कि दोस्त को दुश्मन और दुश्मन को दोस्त बना देता है, जो जिक्र इन्होंने किया। और आपने यह देखिए कि टीएमसी के नेता भी सपोर्ट किया था बीजेपी को, वो भी रेल मंत्री वगैरह रहे, वो भी केंद्र में राजनीति की। लेकिन एक संदेश हमेशा ममता बनर्जी देती है कि वो जो चाहेगी वही होगा। उनका संदेश हर जगह होता, चाहे वो बैठक से उठ के चले जाए, चाहे वो कार्यकर्ताओं को डांट दे। आप उसको स्टेज पर देखेंगे, हर नेता रुक कर भाषण देता है, लेकिन आप देखेंगे ममता बनर्जी को टहल रही है, मॉर्निंग वॉकिंग करती है स्टेज पर भी, इस कोने से उस कोने, और उनको लगता है जैसे एक जो मतलब मैं उस शब्द का यूज नहीं करूंगा, नेता नहीं बल्कि उसको लगता है कि हम यहाँ का मालिक है, जैसे मर्जी वैसे टहल के बात कर ले, जैसे मर्जी वैसे। लेकिन सियासत में और लोकतंत्र में दो बात समझने की जरूरत है, सियासत करेंगे आप कुछ भी करिए, कोई भी स्टंट अपनाइए, लेकिन राजनीति करने के लिए आपको जनता का भला करना ही पड़ेगा। और जनता का भला तभी होगा जब आप रोजगार देंगे, जब भी आप वहां पर पेंशन को दुगुना करेंगे, कितने बुजुर्ग हैं वो सुरक्षित हैं कि नहीं है, कितने महिला उत्पीड़न हो रही है, उसको प्रशासन का सपोर्ट मिलना चाहिए। कांग्रेस कह रही है कि अगर दिक्कत है, अगर लग रहा है कि हमला हुआ है, सीसीटीवी फुटेज निकलवाइए जाकर के और कंप्लेंट कीजिए जाकर के। जी बिल्कुल, चुनाव आयोग से कंप्लेंट हो चुकी है। अरे उस पर तो भरोसा ही है ना आपको, उस पर तो भरोसा ही नहीं है। मैंने मेरा क्वेश्चन ये है कि कांग्रेस कह रही है अदालत में चले जाना, अदालत थोड़े आता है इसी के अंडर में, निकालिए जाकर के, अदालत में फरियाद करना चाहिए, हाई कोर्ट जाना चाहिए, इनको अदालत में जाना चाहिए, वो इसी के अंडर में नहीं आता अदालत, बाकी सब अभी इसी के अंदर में है। जैसा इन्होंने इल्जाम लगाया ना सिक्योरिटी को छोड़ के, कभी भी प्रशासन को चेंज करती रहती है इसी, लेकिन सिक्योरिटी को छेड़छाड़ नहीं करती है। धनोजी जवाब ले लेते हैं, सुमित जी जवाब दीजिए। अब हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी बोल रहे हैं, मैं थोड़ी देर इसलिए शांत हो गया, मैंने कहा मान सम्मान सभी का होता है, हमारे वरिष्ठ हैं तो उनकी बात को सुनना चाहिए। चलिए ठीक, जवाब जी। जी पल्लवी जी, ऐसा है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर हमारे हमला हुआ है और कल की घटना है, इसको चुनाव आयोग को भी बता दिया गया है कि हाँ इस तरीके से हमारे संघ में एक्सीडेंट हुआ है। हम लोग को एक हिंदू कार्यक्रम में गए थे, वहां पे जो मंदिरों के अंदर पूजा चल रही थी, वहां पे लोगों ने बुलाया था, तो भीड़ भाड़ इलाके वाले क्षेत्र में कोई व्यक्ति ऐसा था जिसने धक्का दिया है, सिक्योरिटी भी नहीं समझ पाई कहां से हुआ, एकदम से उन्हें धक्का तो मिला है, उसकी वजह से उनके पैर में चोट लगी है, इसकी जांच चल रही है, और जो दोषी है वो सामने आएगा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो चाहे वो कोई व्यक्ति हो, उसे सजा जरूर मिलेगी। जांच चल रही है, आपको उस पर भरोसा नहीं है, सबसे पहली बात, क्योंकि आपकी पार्टी की तरफ से आज सुनिए, वहाँ पर सीसीटीवी कैमराज लगे, अधिरंजन चौधरी यही कह रहे हैं सीसीटीवी कैमराज लगे होंगे ना, या फिर जहाँ मुख्यमंत्री गए वहाँ पर सुरक्षा की इतनी बड़ी लापरवाही बरती गई कि सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं किए गए। गृह मंत्री जी का कोई बयान नहीं है, गृह मंत्री के अंडर में आते हैं। अरे प्रभु, मेरा सवाल जिस सवाल का जवाब दीजिए आप, वहाँ वो विमल जी बैठे, मैं उनसे पूछ लूंगी जाकर के भैया प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने क्यों इस पर बयान नहीं दिया करके, आप ये बताइए जहाँ मुख्यमंत्री गए वहाँ पर सुरक्षा में इतनी बड़ी लापरवाही क्यों बरती गई, क्यों बरती गई ना, बताइए ना सुमित जी। जी पल्लवी जी, लापरवाही क्यों बरती गई सुमित जी? नहीं लापरवाही कुछ नहीं है, लापरवाही क्या होगी आप मुझे बताइए, कोई व्यक्ति अगर कहीं चंद्रमोहन शर्मा जी से पूछ लेते हैं। चंद्रमोहन जी, आप लोग धक्का देने वाले को दीदी पहचान लेगी क्या? आईपीसी के धारा के तहत जब उसको पेश किया जाएगा तो क्या दीदी उस शख्स को पहचान लेगी? पूछिए ना इनसे लगे हाथ, इनसे पूछ लीजिए लगे हाथ, दीदी धक्का देने वाले को पहचान लेगी? जो व्यक्ति गाड़ी में बैठा हो एकदम से, अरे दीदी पहचान लेगी ना? अरे धनुष जी वो हर तरीके से बच रहे हैं, वो इसी पर भरोसा भी नहीं करते, इसी की रिपोर्ट का इंतजार भी कर रहे हैं, कहीं जाना भी नहीं है, सुरक्षा के इंतजाम भी नहीं बता रहे हैं, विपक्ष के सवालों का जवाब भी नहीं दे रहे हैं। चंद्रमोहन जी आपके सवालों का तो जवाब देने से इनकार कर रहे हैं, सीसीटीवी की फुटेज निकालने की। शांत सुमित जी, चंद्रमोहन जी से सवाल ले लीजिए। चंद्रमोहन जी तवज्जो ही नहीं दी जा रही है, सीसीटीवी फुटेज निकाले जाने की बात कीजिए अधिरंजन चौधरी की तरफ से, वो कह रहे हैं कि नहीं जांच चल रही है। देखिए पल्लवी जी, बड़ा वक्तव्य सामने आता है, जब बीजेपी
बंगाल के अंदर जाती है और बंगाल के अंदर कन्विंसिंग करने लगती है तो टीएमसी उसके ऊपर ब्लेम करती है। और जब टीएमसी अपने इलेक्शन की प्रोपेगंडा करना चाहती है तो बीजेपी उस पर ब्लेम करती है। दोनों ये कहते हैं कि टीएमसी के गुंडे और टीएमसी कहती है बीजेपी के गुंडे। प्रश्न ये उठता है कि सरकार किसके हाथ में, और सरकार जब हाथ चला रही है टीएमसी और बीजेपी सेंटर से बैठी है तो गुंडा राज कैसे बंगाल में पनप रहा है? तो ये सीधी तरह से ब्लेम होता है मुख्यमंत्री के ऊपर और मुख्यमंत्री के साथ साथ राज्यपाल वहां बैठे हुए हैं। तो इतना बड़ा असामाजिक तत्व अगर इलेक्शन के लोकतंत्र की प्रक्रिया के अंदर दखलंदाजी करता है तो फिर लोकतंत्र है कहां? तो इसके घेरे के अंदर राज्यपाल भी आते हैं और इसके घेरे के अंदर मुख्यमंत्री भी आते हैं। अब प्रश्न ये होता है कि किसके वर्कर है और किसके वर्कर नहीं है, तो ये तो अच्छे दोनों पार्टियां एक दूसरे को करती रहेंगी, लेकिन बंगाल के अंदर जो असामाजिक तत्वों का जमघाड़ा है जिसके कारण किसी भी नेता के किसी भी दल के ऊपर जब चाहे आक्रमण होता है उसका जवाब कौन देगा? क्या ऐसी बंगाल को सरकार आगे मिलनी चाहिए? तो उसका प्रश्न बंगाल की जनता देगी। खेला होगा खेला क्या भूल गए क्या? जो बंगाल की जनता को थप्पड़ मार दिया गया था नाराज जनता, जनता जो पिटेगी नेता को पिटेगी, क्या नाराज जनता जो कह रही हो? आप कह रहे हैं कि टीएमसी स्टंट खेल रही है, बीजेपी भी राजनीति खेल रही है। इस पूरे समीकरण के अगर देखें पश्चिम बंगाल खास करके, कांग्रेस कहां स्टंट कर रही है आखिर, क्योंकि ये दोनों पार्टियां ही नजर आ रही हैं। कांग्रेस का अपना और गठबंधन के साथ बिल्कुल कार्य वक्त हो रहा है और मैंने वही बात आपसे बोली कि बंगाल की जनता खेला होवे, और वो ऐसा खेला आज बंगाल की जनता बंगाल के सामने लाने वाला है। वो ना इस बार टीएमसी को लेके आएगी ना बीजेपी को लेके आएगी, कि दोनों का आईने के ऊपर सामने शक्ल लाने के बाद एक ही शक्ल है। आपकी तरफ से समय की कमी है, फटाफट से जवाब दीजिए। बंगाल की जनता का नहीं सोच रहा, देखिए बंगाल की जनता उस प्रतिनिधि को लेके आएगी। देखिए आजकल टीएमसी वाले लोग जो है एक डायलॉग निकाले हैं खेला होवे, और बंगाल की जनता बोली खेला ना होवे हर बार जो है परिवर्तन होवे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बंगाल की जनता जो है ना, बंगाल की जनता मूड बना चुकी है, भारतीय जनता पार्टी को चुनने जा रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। 2 मई को रिजल्ट आएगा, सब देख लेंगे। और जो है विकास के नाम पे जो है, विकास के नाम पे जो है वहाँ पे जो है हमारी पार्टी जो है विकास के नाम पे चुनाव लड़ रही है। चलिए ठीक है, ठीक है, समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। और इसी के साथ ग्रे कार्ड में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए आपका अपना न्यूज चैनल आर्या न्यूज़।